आपको नित प्रतिदिन कुछ आसन मैं बता रहा हूँ, उन आसन को प्रतिदिन करना है ताकि आपका शरीर स्वस्थ रह सके। सरल और सुबोध तरीके से कुछ आसन मैं बता रहा हूँ। खाना खाने के बाद अगर आप करना चाहें तो एक वज्रासन है, जिस वज्रासन में बैठने के लिए सर्वप्रथम दोनों पैर को इस एक पैर के ऊपर दूसरा पैर लगाते हुए शरीर का पूरा भाग उसमें वजन डालते हुए इस आसन में बैठें। यह आसन वज्रासन कहलाता है। खाना खाने के बाद यही एक आसन है जो किया जा सकता है। इससे खाना आपको सही और अच्छी तरह से पच जाएगा। शरीर अब सोचे कि बीमारियां क्यों होती हैं। खाना कुछ भी खाएं अगर सही ढंग से पच जाता है और मल शरीर से बाहर निकल जाता है तो आपके शरीर में बीमारी होने की संभावना बहुत कम होगी। तो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ आसनों का सुबह सुबह उठ करके आप नित्य प्रतिदिन करेंगे। ये वज्रासन में बैठ करके अपने हाथों के दोनों हाथों को सजाते हुए अंगुलियों को अंदर की ओर करते हुए अपने पेट को इस तरफ रखें। इस मुद्रा में सांस को छोड़ते हुए ये नीचे की ओर झुकाएं। इस आसन को आप 5 बार जरूर करें, कम से कम शुरू बार तो 5 बार ही करें, धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। दूसरा प्रकार का आसन मैं जो बता रहा हूँ वो आपके पैरों को सीधा कर लें इस तरह, और ये लेट जाएं। लेट कर के पैर को साइकिल चलाएं। इससे आपका कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। ये 5 मिनट तक कम से कम साइकिल जरूर चलाएं। दूसरा है शरीर का इस भाग को लेट जाएं पूरे चीप, और पैरों को ऊपर उठाएं, सिर को ऊपर उठाकर इस मुद्रा में 3 अवस्था में रखें। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह 3 अवस्था में इस आसन को करें। आगे को मैं बता रहा हूँ कि मंडूकासन में बैठने के बाद इस आसन में जरूर बैठें। ये आसन जो है बैठने से आपका पेटों में प्रेशर पड़ेगा, सही रूप में आपके पेट जो हैं दबाव पड़ने की वजह से शरीर के पीछे के पीठ में तनाव होगा, पीठ का दर्द जो है खत्म हो जाएगा। इस आसन में 5 मिनट जरूर बैठें। आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो हलासन है, चक्रासन। हलासन है कैसे करेंगे? इस तरह अवस्था में ऐसे करें, देखिए ये आसन ये पीछे चला जाएगा, ये हलासन है। इसके ऊपर 0 डिग्री का बनाते हुए इस आसन को इस तरह करें। दूसरा आसन जो मैं सभी आसनों में ज्यादा बेहतर है, थोड़ा प्रयास नहीं होगा तो अब से नहीं हो पाएगा, लेकिन नित्य प्रयास करें, वो मैं आगे का बता रहा हूँ। शीर्षासन, अपने हाथों को सीधे खड़ा कर लें, नीचे की ओर झुकाते हुए कुछ समान दूरी बताते हुए सिर को इस तरह रखें, हाथों को पैरों को ऊपर उठाएं। इस आसन को, यह शीर्षासन है,
सीधा खड़ा करते हुए शुरू बा कम, जितना देर आप सिर पर खड़ा रख सकते हैं रहें। अब मैं थोड़ा हल्के हल्के आसन को बताता हूँ, अंदर की सांसों को बाहर खींचने का काम करें। अंदर की सांसों को खींचकर बाहर फेंकें, ताजी हवा अंदर चली जाएगी। इससे क्या होगा, आपका फेफड़े का फैलाव और सुकड़ाव होगा, गंदी हवा फेफड़े में अगर होगी, ताजी हवा उसकी जगह पर जाएगा और ताजी हवा जाने से, हवा पहले क्यों जाती है, हवा में आप वर्तमान ऑक्सीजन होम्योग्लोबिन से मिलकर ऑक्सी होम्योग्लोबिन बनाता है, जो सेल और उत्तक के लिए जरूरी होता है, रिपेयर के लिए जरूरी होता है, आगे उसके विकास के लिए जरूरी होता है। तो यही जो है ऑक्सी होम्योग्लोबिन, जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अगर आप जब ही कहीं दौड़ रहे हैं, भाग कर या हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस समय शरीर को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ये ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए ज़्यादा गहरी गहरी सांस लेने की ज़रूरत है, उसमें ऑक्सीजन होम्योग्लोबिन से मिलकर के ऑक्सी होम्योग्लोबिन बनाएगा और आपके शरीर के ज़रूरत के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति कर देगा, जिससे आपका शरीर सुंदर सुडौल बन जाएगा। अब मैं कुछ आसनों को और मैं बताता हूँ। ये आरामदेह है कुर्सी आसन, ये आराम कुर्सी है। इस अवस्था में आप बैठने का प्रयास करें। अगर आपके बैठने के अनुसार देखेंगे कि आपके टेहुने में दर्द होना शुरू हो जाता है, अगर दर्द हो जाए तो आप ये अपने खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद ये पैर को इस तरह कर लें, दो तीन बार करने के बाद आप देखेंगे कि ये टेहुने में जो दर्द हो रहा था वो खत्म हो जाएगा, आपको रामबाण जैसा काम करेगा। ये अवस्था को आप जरूर करें, नित पर्यंत दोहराएं। उसके अतिरिक्त और मैं कुछ आसन है, जैसे गजासन मैं बता रहा हूँ। ये शरीर को सीधे ऐसे खड़ा करें, नीचे की ओर ले जाएं, समान रूप से अपने तनाव को रखते हुए पैर को इस तरह तनाव से इस मुद्रा में घूमे, ये गजासन कहलाता है। इतना नित प्रतिदिन करें, देखेंगे आपका शरीर सुंदर और सुडौल हो जाएगा। धन्यवाद।